हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी देखने वाले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। एंड बहुत दिन हो गए कोई वीडियो बनाई नहीं आपा, तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है सोच, कि जैसी सोच होगी इंसान वैसा ही बनता है और वही करता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, और अगर आपकी सोच ही खराब है तो वो आपको खराब रास्तों में ले जाएगी। तो उसके लिए एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है कि कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो बर्तन बना रहा था। तो उसकी मिट्टी से भरे हुए हाथ थे उसके, वो मिट्टी को कुछ ऐसा आकार दे रहा था। तो उसकी बीवी ने उसको पूछा, ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो बीवी ने कहा कि आप चिलम क्यों बना रहे हो, आप सुराही क्यों नहीं बनाते? तो कुम्हार ने अपनी बीवी की बात मानी और उसने फिर से वो आकार को तोड़ा, मिट्टी को फिर से गूंथा, और फिर से उसने मिट्टी लेके उसे एक सुराही का आकार देने लगा। और जब वो सुराही बनके तैयार हो गई तो बात करती है सुराही और मिट्टी आपस में कि कितनी अच्छी बात है कि अब मैं सुराही बन गई, अगर मैं चिलम बन जाती तो मुझ में आग भरी जाती और आग से लोगों का मुंह भी जलता, लोगों के घर भी जलते और मैं भी जलती। अब मुझे सुराही का आकार जो मिला है, इससे इसके अंदर पानी भरा जाएगा, बहुत सारे लोगों की प्यास मिटेगी, उन्हें ठंडक मिलेगी, उन्हें शीतलता मिलेगी और मैं भी शीतल रहूँगी, मैं भी ठंडी रहूँगी। तो मेरी भी ज़िंदगी, सिर्फ एक डिसीज़न ने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी। तो ये जो है एक छोटी सी बात है जो कि एक अच्छी सोच बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल देती है, और एक ख़राब सोच बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है। एक सोच ही है जो हमें बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें कामयाब होना है, वो अपनी कामयाबी के रास्ते से आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास अपना पर्सनल कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जो दूसरों की सर्विस में जाते हैं उनके पास अपना कुछ होता ही नहीं, कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि जो लोग दूसरों को सोचते हैं वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचते, तो वो खाली हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो फिर से भरे हुए ज़रूर रहते हैं, हज़ारों ज़िंदगियों के अंदर उनके जज्बात, उनकी फीलिंग, उनके शब्द रह जाते हैं और हज़ारों ज़िंदगियाँ बन जाती हैं। एक ऐसी ही सोच सोची, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि डिज्नीलैंड यूएसए में, और अभी तो पेरिस में भी है यूरोप में, एंड बहुत सारी कंट्रियों में और भी हो जाएगा, पर जब डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई तो वो एक ऐसे इंसान की सोच थी जो कि बड़े ही आराम से अपने ही घर में हर रोज़ की तरह चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। चाय पीते पीते उसने चाय का कप नीचे रखा और आराम से फिर से सोचने बैठ गया। एक विला इंसान जिसका काम था कई कप चाय पीना रोज के, एंड उसके बाद में उसने एक चीज़ नोटिस की कि एक चूहा आया उसी की कुर्सी से चढ़ता हुआ, उसके कपड़ों का सहारा लेके वो कप तक पहुंचा, कप के अंदर से उसने चुस्की लगाई और फिर से गायब हो गया। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद में वो फिर से वापस आया और फिर से चाय पी और फिर से वापस चले गया, और ऐसा सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। और इसी एक सिलसिले ने डिज्नी की सोच किसी के दिमाग में पैदा की। तो हमने भी बचपन में और हमारे बच्चों ने भी बचपन में मिक्की माउस का जो टीवी का कार्टून शो होता था, वो मिक्की माउस का शो का जन्म हुआ जो कि कई सालों तक चलता रहा और अब भी चलता है।
तो उसी से डिज्नीलैंड की एडवेंचर हुई, उसी से एक प्रोत्साहन मिला, उसी से एक सोच मिली, एक डिज्नीलैंड जो बच्चों का बहुत ही फेवरेबल प्लेस है, फेवरेट जगह है, जो हर बच्चे का ड्रीम है। मिकी माउस हर छोटा बच्चा देख के बड़ा होता है। तो ये एक सोच थी, एक छोटी सी सोच जिसने एक चूहे को इतना फेमस कर दिया। टॉम एंड जेरी बना, मिक्की माउस मरा, डिज्नीलैंड बना, जो कि वर्ल्ड फेमस हुए, सिर्फ एक छोटी सी सोच थी। तो हमको भी एक ऐसी ही सोच सोचनी चाहिए जो कि हमें कहीं ना कहीं पहुंचा दे। उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस इंटरटेनमेंट ही हुआ, और वो इंटरटेनमेंट ने इतना बड़ा आकार ले लिया। ऐसे ही और एक स्टोरी मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि एक अंगुलीमल बोलकर एक बहुत ही बड़ा डाकू हुआ, एक हत्यारा था, जिसने ये कसम खाई थी कि मैं 1,000 आदमियों का वध करूंगा, इंसानों का वध करूंगा, उसकी कसम थी। और वो उनकी उंगलियों को काट के अपने गले में लटका लेता था। उसके पीछे एक रीज़न था कि उस टाइम का जो राजा था बिंबिसार, उसके पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसने ये कसम खाई थी कि एक हादसे ने उसे एक अच्छे नेक इंसान से एक डाकू, एक हत्यारा, मर्डरर बना दिया था। तो ऐसे ही करते करते जब उसके 9,999 उंगलियों के हार उसने गले में पहना, सिर्फ एक इंसान कम था 1,000 पूरे होने में, गिनती में, तो उस जगह के सभी लोग, वहाँ का राजा, वहाँ के आसपास के शहर, गांव, लोग, राही जो वहां से गुजरते थे, अंगुलीमल का बहुत ही ज्यादा डर था उनमें। तो उस तरफ से कोई नहीं जाता था, कोई भी भूला भटका चले जाता तो अंगुलीमल उसे मार के उसकी उंगलियां काट के अपने गले में डाल लेता। तो अब एक ही इंसान बचा था, और उसी टाइम की बात है कि महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, और उनके शिष्य ने उन्हें कहा कि आप बुद्ध जी, आप यहां से मत गुजरो, इस रास्ते में अंगुलीमल नाम का एक बहुत बड़ा हत्यारा है, डाकू है, वो आपकी हत्या कर देगा, क्योंकि उसे एक ही और बनना, एक ही बंदे को और मारना है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ये बात मुझे नहीं बताते तो शायद मैं उस जगह से नहीं गुजरता, पर जबकि अब तुमने मुझे ये बता दिया है तो मैं ज़रूर उस रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि उस इंसान को मेरी ज़रूरत है। महात्मा जी उसी रास्ते से गए जहाँ पे अंगुलीमल था। अंगुलीमल ने जब महात्मा बुद्ध जी को आते हुए देखा तो उन्होंने दूर से ही उसे ललकारा कि हे सन्यासी, तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पर ये ललकार सुनकर भी महात्मा जी आगे चलते गए, और उन्होंने इस चीज़ की बिना परवाह किए कि बिना सोचे समझे, बिना सुने, ये मेरे को ख़त्म कर देगा, पर महात्मा जी आगे चलते गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, कि एक सोच किसी की सोच भी बदल सकती है। उसी के लिए जब वो आगे गए तो अंगुलीमल की हालत देखी, एक बहुत ही भयानक हत्यारा जिसके गले में कई उंगलियों का हार था, उसने महात्मा जी को मारना चाहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम ये काम क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं ये काम का, मैंने अपने आप को वादा किया है कि मैं 1,000 लोगों को मारूंगा, और तुम वो आखिरी हो, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। तो उस अंगुलीमल को महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार देना। तो अंगुलीमल ने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो महात्मा जी ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। तो अंगुलीमल ने कहा कि क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मौत से कौन डरता है, वो तो एक दिन आनी ही है, फिर जो चीज़ एक दिन आनी है उस चीज़ के लिए आज हम क्यों डरें? तो यही बात को लेके अंगुलीमल से उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तो अंगुलीमल ने जवाब दिया, हाँ, मैं मानूंगा। तो महात्मा बुद्ध अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराए, और उन्होंने सोचा, कम से कम ये बात तो मान रहा है मेरी। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने पेड़ है, इसकी सभी टहनियों को तुम काट दो।
तो उसने अंगुली मल ने फटाफट जाके पेड़ की सभी टहनियाँ काट दी। अब उसके बाद वो महात्मा जी के पास आए तो बुद्ध जी को बोले कि देखो मैंने तो सारी टहनियाँ काट दी। तो अब महात्मा बुद्ध बोले, अंगुली मल तुमने सभी टहनियाँ काट दी, अब इन्हें दोबारा जोड़ दो। तो अंगुली मल ने महात्मा बुद्ध को जवाब दिया कि सन्यासी तुम कैसी बात कर रहे हो, कटी हुई चीज़ को क्या दोबारा कोई जोड़ सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जो 999 लोग तुमने मारे हैं क्या तुम उन्हें जोड़ सकते हो, क्या तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो? जब तुम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें काटने का क्या अधिकार है? तुम्हारी किसी वजह से, किसी दुश्मनी की वजह से तुमने ये प्रतिज्ञा कर ली कि तुम 1000 लोगों को मारोगे, पर उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तो ये बात अंगुली मल के दिमाग में सीधी लगी और उसने सचमुच वो हथियार फेंक दिया जिससे उसने 1000 कई 100 लोगों को मारा था। और यही बात से उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आए, पश्चाताप के आंसू, कि जो चीज़ को हम बना नहीं सकते उसे ख़त्म करने का, उसे उजाड़ने का हमें क्या हक होता है? बस यही चीज़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। महात्मा बुद्ध पीछे बिना मुड़े हुए आगे चलते गए और अंगुली मल जो है उनके पीछे बुद्धम शरणम गच्छामी कहता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक वादा जो हम अपने आप से करते हैं, उसी के दम पे हम पता नहीं क्या बनते हैं और वही एक सोच हमें कहीं से कहीं ले जाती है। तो इस कहानी का, इस टाइम का बस इतना ही मतलब था कि अपनी सोच बदलो, ऐसी सोच सोचो जो कि अच्छाई की तरफ लेके जाए, ऐसी सोच मत सोचो जो कि अपना भी नुकसान करे और दूसरों का भी नुकसान करे, तो जिससे किसी का भी कोई भला ना हो और इस ज़िंदगी का भी कोई भला ना हो। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये आप नीचे ज़रूर लिख देना, क्योंकि मुझे तो कुछ शिक्षा मिली है, इसीलिए मैंने ये कहानी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें आने वाली और वीडियोस के लिए, क्योंकि अब और वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब।